I did was right out that thing on her stomach, and then I hit her about 10 or 15 times. But how come? Well, mostly because Gertie told me to. 26 अक्टूबर 1965 न्यूयॉर्क के इंडियाना पुलिस के पुलिस थाने में बगल के ब्लॉक में रहने वाले गर्ट्रूड के घर से बुलावा आया। पुलिस जब गर्ट्रूड के घर पहुंची तो फर्श पर 16 साल की सिल्विया लाइकेंस की लाश पड़ी हुई थी। गर्ट्रूड ने पुलिस को बताया कि सिल्विया पर बदमाश लड़कों की एक गैंग ने हमला करके उसका गैंग रेप किया और उस पर अत्याचार किए, जिसकी वजह से सिल्विया की मौत हो गई। साथ में गर्ट्रूड ने पुलिस को सिल्विया के हाथों लिखी एक चिट्ठी भी दी, जिसमें यही कुछ लिखा हुआ था। पर सिल्विया की लाश को देखते हुए पुलिस को यह अंदाज़ा हो गया था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। सिल्विया के बदन पर पड़े घाव एक दिन के अत्याचार से होने वाले घाव नहीं थे। सिल्विया की बॉडी में हड्डी पसली एक थी, मानो उसने लंबे अरसे से कुछ खाना नहीं खाया हो। उसके हाथ के नाखूनों को पीछे की तरफ मोड़ दिया गया था। उसके बदन पर जगह जगह जलने के निशान थे। सिल्विया के पेट पर किसी नुकीली चीज से लिखा हुआ था, मैं एक वेश्या हूँ। आखिर क्या थी सिल्विया की कहानी, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। सिल्विया का जन्म 3 जनवरी 1949 में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता लेस्टर लाइकेंस कार्निवल में फूड स्टॉल में काम करते थे। अपनी गरीबी की वजह से दोनों पति पत्नी के बीच बार बार छोटी छोटी बातों में झगड़े होते रहते थे। कार्निवल में काम करने की वजह से उन्हें बार बार एक गांव से दूसरे गांव घूमना पड़ता था। सिल्विया के 4 और भाई बहन थे, जिसमें से सबसे बड़ी बहन डायना की शादी हो चुकी थी। 2 भाई डैनी और बिन्नी अपने दादा दादी के साथ रहते थे, जबकि 2 छोटी बहनें सिल्विया और जेनी अपने माता पिता के साथ रहते थे। जेनी सिल्विया से छोटी थी और उसका एक पैर पोलियो की वजह से अपंग था। 15 साल की उम्र से ही सिल्विया ने अपनी जिम्मेदारी निभाना सीख लिया था। छोटी सी उम्र से ही उसने बेबी सिटिंग और लोगों के कपड़े इस्त्री करके कुछ पैसे कमाना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में सिल्विया की खूबसूरती निकलने लगी थी। उसकी बहन जेनी से उसे काफ़ी लगाव था। वो अपनी पोलियो से पीड़ित बहन को उन कमाई के पैसों से रोलर स्केटिंग के लिए ले जाती। साल 1965, सिल्विया के माता पिता ने अपने झगड़ों से तंग आकर डाइवोर्स ले लिया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इस डाइवोर्स के बाद सिल्विया और जेनी अपनी माँ के साथ रहने लगी। सिल्विया की माँ की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, ऊपर से 2 बेटियों की जिम्मेदारी। एक बार सिल्विया की माँ एक दुकान से चोरी करते हुए पकड़ी गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह से एक बार फिर से सिल्विया और जेनी की जिम्मेदारी उसके पिता के कंधों पर आ गई। ऐसे में जब लेस्टर लाइकेंस यानी सिल्विया के पिता को अपने कार्निवल के काम से दूसरे शहर जाना हुआ, तो सिल्विया के पिता को अपनी दोनों बेटियां सिल्विया और जेनी की जिम्मेदारी किसी और को सौंपने का वक्त आया। उनके पड़ोस में ही रहती थी गर्ट्रूड बेनिजेस्की, जो कि एक तलाकशुदा महिला थी। गर्ट्रूड एक बड़े से घर में अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी, जिसमें से सबसे बड़ी लड़की पॉला सिल्विया की दोस्त और क्लासमेट भी थी। सिल्विया के पिता ने हफ्ते के $20 के बदले में अपनी दोनों बेटियां सिल्विया और जेनी की जिम्मेदारी मिसिस गर्ट्रूड को सौंपने का फैसला कर लिया। गर्ट्रूड भी तलाकशुदा थी और दोनों की देखभाल के बदले उसे हफ्ते के $20 मिलने वाले थे, तो उसने भी ये डील मंजूर कर ली। पहले 2 हफ्ते सब कुछ सही चला। सिल्विया और जेनी गर्ट्रूड के घर में रहने लगी और यहाँ तक कि गर्ट्रूड को घर के काम में हाथ भी बटोरने लगी। साथ ही अपने फ्री वक्त में दोनों बहनें गर्ट्रूड के घर के बड़े से गार्डन में खेलने लगे। बदले में लेस्टर लाइकेंस ने हर हफ्ते $20 भेज दिए। तीसरे हफ्ते में लेस्टर अपने वादे के दिन पैसे नहीं भेज सका। गर्ट्रूड दोनों बहनें सिल्विया और जेनी को ऊपर के कमरे में ले गई और दोनों को बुरी तरीके से पीटा, ये कहते हुए कि मैंने तुम दोनों कुतिया की परवरिश मुफ्त में की।
हालांकि अगले ही दिन लेस्टर की तरफ से $20 गर्ट्रूड को भेज दिए गए, पर शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार गर्ट्रूड को सिल्विया और जेनी की पिटाई में शायद कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया होगा या उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका मिल गया। अब गर्ट्रूड सिल्विया और जेनी को छोटी छोटी बातों में मारने लगी। सिल्विया का एक्स हस्बैंड पुलिस ऑफिसर था जिसका एक मोटा सा चमड़े का बेल्ट और एक नाव चलाने वाली लकड़ी का पैडल था जिससे वो दोनों बहनों को पीटती रहती। दिन ब दिन गर्ट्रूड के अत्याचार बढ़ते गए। अपनी अस्थमा की बीमारी की वजह से जब वो कुछ थक जाती तो उसकी बेटी पौला उसकी जगह ले लेती। गर्ट्रूड के अत्याचार धीरे धीरे दोनों बहनों से शिफ्ट होकर सिर्फ सिल्विया की ओर बढ़ने लगे। अब पड़ोस में रहने वाले दूसरे बच्चे जिनमें से ज़्यादातर पौला के दोस्त थे वो आकर सिल्विया पर अत्याचार करके उसके मज़े लेने लगे। ये बच्चे अपने जूडो की प्रैक्टिस सिल्विया के ऊपर करते। सिल्विया को दीवार से टांग कर उसके पेट और बदन पर घूंसे मारे जाते। कभी कभी ये बच्चे सिल्विया को इतनी ज़ोर से मारते कि सिल्विया बेहोश होकर गिर जाती। गर्ट्रूड ये सब अत्याचार एक कोने में बैठकर देखती और हंसती रहती। इतना ही नहीं, गर्ट्रूड इन बच्चों को सिल्विया पर और ज़्यादा अत्याचार करने को उकसाती। पौला सिल्विया को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करने लगी। वो सिल्विया को दीवार से सटकर खड़ी रखती और उसके बदन पर जोर से मुक्के मारती। एक बार ऐसे ही पौला ने सिल्विया को इतना ज़ोर से मुक्का मारा कि उसका खुद का हाथ टूट गया। जब उस टूटे हुए हाथ पर प्लास्टर लगाया गया तो पौला उस प्लास्टर से सिल्विया को मारने लगी। सिल्विया पर हो रहे जिस्मानी अत्याचार कम थे तो गर्ट्रूड ने सिल्विया के बारे में झूठी और मनगढ़ंत बातें फैलाना शुरू किया। गर्ट्रूड ने सिल्विया पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक वेश्या है और किसी बॉयफ्रेंड के साथ सोने से प्रेग्नेंट हो गई है। सिल्विया को इस अपराध से शुद्धि दिलाने के मकसद से गर्ट्रूड ने उसे नंगा करके उबलते हुए पानी से नहलाया। सिल्विया अब इन लोगों के लिए मनोरंजन और भड़ास निकालने का जरिया बन चुकी थी। सिल्विया को ड्राइंग रूम में सभी बच्चों के सामने नंगा करके उसके योनि में कोक की बोतल डाली जाती। उसकी दोनों टांगें चौड़ी करके उसके प्राइवेट पार्ट्स पर लात मारी जाती। इसी वजह से सिल्विया की पेशाब और लेटरिन को रोके रखने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी और इसी वजह से सिल्विया रोज़ रात को अपने ही बिस्तर पर पेशाब या लेटरिन तक कर देती। और जाहिर सी बात है, गर्ट्रूड जो कि सिल्विया को टॉर्चर करने का मौका ढूंढती रहती थी, वो बिस्तर में पेशाब करने के बाद सिल्विया पर और भी ज़्यादा अत्याचार करने लगती। कुछ समय बाद गर्ट्रूड को लगा कि सिल्विया अब उसके बाकी बच्चों के साथ रहने के लायक नहीं थी, तो गर्ट्रूड ने सिल्विया को उसके बंगले के बेसमेंट में नंगा बांध के रखना शुरू कर दिया और उसे सिर्फ तभी खोला जाता जब गर्ट्रूड या कोई पड़ोसी सिल्विया को पीटना चाहता हो। गर्ट्रूड के बच्चे और उसके पड़ोसी दोस्त को नंगी सिल्विया की मजाक उड़ाने में और उसे टॉर्चर करने में बड़ा मज़ा आता था। गर्ट्रूड ने अपने पड़ोसी रिचार्ड हॉब्स की मदद से सिल्विया के पेट पर आई एम अ प्रोस्टिट्यूट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट लिखवाया, फिर निडल को गर्म करके उसके पेट पर कुतवा दिया। गर्ट्रूड ने थोड़ा सा लिखकर बाकी का काम रिचार्ड ने पूरा किया। इसके बाद अब गर्ट्रूड रोज सिल्विया को ये कहते हुए ताने मारने लगी कि तू एक वेश्या है और तेरे साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। मैं मरने वाली हूँ, मैं बता सकती हूँ कि मैं मरने वाली हूँ। ये शब्द सिल्विया ने अपनी मौत के 3 दिन पहले अपनी छोटी बहन जेनी से कहे थे। गर्ट्रूड को भी अब भनक लग गई थी कि सिल्विया ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाली नहीं थी, तो गर्ट्रूड ने अब सिल्विया की मौत के इल्ज़ाम से बचने के लिए सिल्विया के हाथों उसके माँ बाप को एक चिट्ठी लिखवाई जिसमें उसने लिखवाया कि बदमाश लड़कों की एक गैंग ने सिल्विया को किडनैप करके उसके ऊपर अत्याचार किए और उसका रेप किया। इतना ही नहीं, उन्हीं लड़कों की गैंग ने उसके पेट पर आई एम अ प्रोस्टिट्यूट लिखवा दिया। गर्ट्रूड ने सिल्विया से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का प्लान बना लिया था। उसका प्लान था कि वो सिल्विया को मारकर उसकी बॉडी को दूर कहीं जंगल में फेंक देगी और सारा इल्ज़ाम उन बच्चों की गैंग पर डाल देगी जिसके बारे में उसने सिल्विया से खत में लिखवाया था। सिल्विया ने शायद गर्ट्रूड के इस प्लान के बारे में सुन लिया।
25 अक्टूबर 1965 के दिन सिल्विया ने इतनी कमज़ोर हालत में भी गर्ट्रूड के घर से भागने की कोशिश की पर पकड़ी गई। गर्ट्रूड ने इस बार सिल्विया के मुंह पर पर्दे टांगने की रोड से जोर से हमला किया, जिसकी वजह से सिल्विया बेहोश हो गई। फिर उसे बेसमेंट में बांध दिया गया। बेसमेंट में बांधकर इन लोगों ने सिल्विया को इतना मारा कि सिल्विया फिर से बेहोश हो गई। जब सिल्विया को होश आया तो वो ना तो ठीक से खा रही थी और ना ही कुछ बोल सकती थी। सिल्विया ने एक बार फिर से बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश की पर वो सीढ़ी तक पहुंच पाती उससे पहले ही फर्श पर गिर गई। जब गर्ट्रूड ने ये देखा तो उसने अपने पैर से सिल्विया के सिर को कुचल दिया और फिर वहीं पर खड़ी हुई देखती रही। 26 अक्टूबर सिल्विया अब ना ही कुछ बोल सकती थी और ना ही अपने हाथ पांव को सही से मूवमेंट करवा सकती थी। गर्ट्रूड ने अब सिल्विया को किचन में बिठाया और अपने हाथों से ग्लास में से दूध और डोनट खिलाने लगी। हालांकि सिल्विया की हालत कुछ ऐसी थी कि दूध का ग्लास पीने के लिए अपने होंठ भी ठीक से खोल नहीं पाती थी, तो गुस्से में आकर गर्ट्रूड ने सिल्विया को धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया और फिर से सिल्विया को बेसमेंट में बंद करवा दिया। सिल्विया अब इतनी बेसुध हो गई थी कि उसके मुंह से हमेशा आहें निकलती रहती थी। उसी दिन यानी 26 अक्टूबर 1965 के दिन आखिरकार 3 महीनों के टॉर्चर के बाद सिल्विया की मौत हो गई। पुलिस के सामने गर्ट्रूड ने अपना वही बयान जारी रखा और शायद पुलिस भी गर्ट्रूड की इस कहानी पर यकीन कर लेती, पर आखिरकार जेनी यानी सिल्विया की छोटी बहन ने एक पुलिस अफसर को चुपके से कहा, मुझे यहाँ से निकालो फिर मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। जेनी ने पुलिस को सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद पुलिस ने गर्ट्रूड, उसकी बेटी पॉला और स्टेफनी, गर्ट्रूड के छोटे बेटे जॉन और उनके साथ साथ पड़ोस में रहने वाले रिचर्ड हॉब्स और कॉय हबार्ड को सिल्विया के मर्डर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया, जबकि माइक, रैंडी, डार्लिंग, जॉडी और एना को सिल्विया को चोट पहुंचाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इन सब के अलावा और भी कई बच्चों के नाम थे पर वो इतने छोटे थे कि उनकी उम्र का लिहाज रखते हुए उन्हें समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। कोर्ट में गर्ट्रूड ने सिल्विया के ऊपर हुए अत्याचार के बारे में कुछ भी जानने से मना कर दिया। उसने सारा इल्ज़ाम अपने बच्चों और पड़ोसी बच्चों के सिर पर डाल दिया। ज़रा सोचिए कितनी घिनौनी मानसिकता होगी इस महिला की, जिसने अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चों को ही ढाल की तरह इस्तेमाल कर लिया। 19 मई 1966, कोर्ट ने गर्ट्रूड को सिल्विया की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि गर्ट्रूड के खुद के वकील के मुताबिक गर्ट्रूड के जुर्म की सज़ा सिर्फ सजाए मौत हो सकती थी। पॉला को भी दोषी मानते हुए कोर्ट ने उसे भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। बाकी बचे गुनहगारों की उम्र अभी तक माइनर थी, इसलिए रिचर्ड हॉब्स, कॉय हबार्ड और जॉन को 2 साल से 21 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि तीनों को 2 साल जेल में बिताने के बाद आज़ाद कर दिया गया। गर्ट्रूड ने 20 साल जेल में गुजारे, जिसके बाद सन 1985 की दिसंबर में उसे जेल से पैरोल पर रिहा किया गया, जबकि उसकी बेटी पॉला को भी 20 साल जेल में बिताने के बाद पैरोल पर रिहा किया गया। गर्ट्रूड के रिहा होने के 5 साल बाद उसके लंग कैंसर से मौत हो गई। शायद यही सिल्विया के कातिलों का अंजाम था। सिल्विया को इंसाफ मिला या नहीं, उसके बारे में लोगों के अलग अलग ख्याल है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साल 2011 में सिल्विया की याद में गर्ट्रूड के घर से कुछ ही दूरी पर विलियर्ड पार्क में एक मेमोरियल बनाया गया, जिस पर लिखा हुआ था,